हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम लोवर में ही पॉकेट लगाएंगे। ये देखिए, ये लोवर पहले से मैंने कट किया हुआ है और इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए, ये इस तरह से है। यहाँ हमारा इस तरफ आसन है, ये आसन की तरफ हमने पॉकेट नहीं लगानी है, हम दूसरी तरफ यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट के लिए यहाँ निशान लगाएंगे। ये एक पीस मैं ले रही हूँ, इस पर मैं आपको निशान लगाकर दिखाती हूँ। एक पीस ले रही हूँ और इस पर हम निशान लगाएंगे। ऊपर से यहाँ से 2 इंच हमारा ये इलास्टिक आएगा, यहाँ से ये 2 इंच हम यहाँ से ये निशान है हमारा इलास्टिक के लिए, क्योंकि मैं इस पर अलग से बेल्ट नहीं लगाऊंगी, इसी में से मैं इलास्टिक के लिए फोल्ड करूंगी, इसलिए ये हम इलास्टिक का ऊपर से 2 इंच छोड़ देंगे और उससे नीचे हम 2 इंच और ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा 2 इंच यहाँ से ये इस तरह से फोल्ड होगा। ये यहाँ से ऐसे हमारा ये फोल्ड होगा 2 इंच, तो हम यहाँ से 2 इंच नीचे और निशान लगा लेंगे। यहाँ से ये हमारा हो गया 4 इंच, ये 4 इंच, 4 इंच से यहाँ पर हम 1/2 इंच जितना कट लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पर कट लगा लिया है और यहाँ से अब हम पॉकेट में हाथ डालने के लिए यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं लगाऊंगी 5.5 इंच पर, आप अपना देख सकते हैं। अगर आप 6 इंच पर लगाना चाहते हैं तो 6 इंच पर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर लगा रही हूँ और यहाँ से भी 1/2 इंच जितना कट कर लेंगे। ये हमने कट लगा लिया है, ये देखिए। अब हम पॉकेट के लिए कपड़ा, मैंने पहले से कट किया हुआ है कपड़े को जिससे हम पॉकेट लगाएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई है, यहाँ से लंबाई मैंने ली है इसकी 14 इंच और यहाँ से चौड़ाई मैंने ली है ये है 6.5 इंच और ये डबल है तो हमारा हो गया 13 इंच। 13x14 इंच का हमने इस तरह से ये पीस लेना है। अब हमने जो कट लगाया है पीस पर वो ले लेंगे ऐसे, और इस पर हमने इसे इस तरह से रखना है। जो हमारा कट है वहां से हम यहां से 1 इंच ऊपर इस तरह से इसे रखेंगे। ये यहां से ये देखिए, ये हमारा यहाँ से ये कट है और इससे ऊपर कपड़े को हमने ऐसे 1 इंच ऊपर इस तरह से रखना है कपड़े को इसके बराबर, ये ऐसे, और ये सीधे से सीधा मिलाकर रखना है ऐसे, और ये 1 इंच हमारा ऊपर हो गया ऐसे। और अब हम यहाँ पर ये जो कट है दोनों, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है इस कट से लेकर यहां से इस तरह से दूसरे कट तक, यहां तक हमने यहां तक इस तरह से थोड़ा थोड़ा सिलाई में देते हुए यहां पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने यहां सिलाई लगा ली है इस तरह से। और अब हमारा ये ऊपर वाला जो पीस है, यहाँ तो हमने कट लगाए हुए हैं लेकिन जो हमारा पॉकेट का पीस है उस पर हमने कट नहीं लगाए हैं, तो यहाँ से हम इसी के बराबर इसे कट कर लेंगे दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये हमने यहाँ कट के निशान लगा लिए हैं। अब हम पॉकेट को दूसरी तरफ ये इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये ऐसे, और यहाँ से इसे ऐसे रखेंगे ऐसे, इस तरफ से भी ये ऐसे रख लेंगे। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे हमारी पॉकेट है। अब हम ये इस पर यहाँ हमने सिलाई लगानी है, पहले यहाँ से स्टिच करके फिर यहाँ और फिर यहाँ प्रेस स्टिच लगाएंगे इस पर।
ये देखिए हमने इस पर प्रेस स्टिच लगा ली है। इस तरह से हमने लगानी है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमने ये दूरी पर लगानी है। मैंने यहाँ लगाई है इसकी सिलाई ऐसे। ये हमने यहाँ प्रेस स्टिच लगाने के बाद अब हम पॉकेट को नीचे से स्टिच करेंगे। ये हमारा पॉकेट का कपड़ा है ऊपर ये वाला, और इसे हमने ये ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं करना, इसे हमने नीचे की तरफ फोल्ड करना है ये ऐसे, और यहां से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने यहां सिलाई लगा ली है। अब हम पॉकेट को सीधा करेंगे, यहां से इस तरह से सीधा करेंगे पॉकेट को ऐसे। यहां से ऐसे हो जाएगी। इसे यहां से ये देखिए ये जो नीचे वाला हमारा कपड़ा है इसके बराबर इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से नीचे बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये ऐसे अब हम यहाँ साइड में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए पॉकेट को यहाँ से। ये देखिए मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल हमने बराबर इसे रख लेना है। यहाँ से ये हमने सीधा कर लिया था पॉकेट को और ये ऐसे होगी हमारी। और यहाँ से अब हमने इसे इस तरह से सीधा रखते हुए यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए और यहाँ से साइड में सिलाई लगा लेंगे जिससे ये हमारी पॉकेट यहाँ से अटैच हो जाए। ये देखिए साइड से हमने यहाँ सिलाई लगा ली। अब हम इसके साथ का एक और पीस लेंगे, इसके साथ का दूसरा पीस लेंगे हम, और इसे इस तरह से यहाँ इसके बराबर रखकर यहाँ से इसे स्टिच करेंगे। यहाँ से सीधा के ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये हमने साइड से स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको पॉकेट दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारी यहाँ पॉकेट लग गई है और यहाँ से ये स्टिच हो गया है हमारा। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये इसमें हमारा ऐसे हट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ये यहाँ से हाथ डालने के लिए बन गया हमारा पॉकेट का यहाँ से। और पीछे से देखिए ये ऐसे आएगा, इस तरह से ये हमारी पॉकेट लगी है। ऊपर से ये हमारा खुला हुआ है, यहाँ से ये
जब हम ऊपर इलास्टिक डालेंगे यहाँ ऊपर की तरफ, ये ऐसे फोल्ड करके, ये इसके ऊपर फोल्ड करके आएगा और ये हमारा जो खुला हुआ है ये इसके बीच में आ जाएगा। सिलाई करेंगे जब हम इलास्टिक डालेंगे तो ये इसमें स्टिच हो जाएगा ऊपर से, ये ऐसे, और आगे से ये हमारी ऐसे पॉकेट बन गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।